रोमांच और रहस्य, जापानी गुड़िया। मैं उन दोनों नौकरी करती थी। एक दिन मेरा तबादला देश के किसी और हिस्से में कर दिया गया। मेरी कंपनी ने मुझे और मेरे परिवार के लिए एक अस्थाई घर की व्यवस्था कर दी थी। वो पहाड़ के पास एक बहुत बड़ा घर था, लेकिन वो बहुत पुराना और टूटा फूटा घर था। हमें उस घर में रहते हुए 4 महीने हो गए थे। एक दिन मेरी बेटी को बगीचे में कुछ अजीब सी चीज मिली। वो एक छोटा सा डिब्बा था। जैसे ही मेरी बेटी ने वो डिब्बा मुझे दिखाया, मुझे उसको देखते ही लगा कि वो कोई शुभ चीज नहीं थी। मैंने उससे वो डिब्बा ले लिया और कहा कि मैं उसको फेंकने जा रही थी। अगर मैंने उस दुष्ट डिब्बे को सच में ही फेंक दिया होता तो ये सब कुछ नहीं होता। पता नहीं किस कारण से मैंने उस डिब्बे को जला दिया। कुछ ही दिनों के बाद कुछ बहुत भयानक हुआ। मेरी एक सहेली की कार दुर्घटना हो गई। वो मेरी सबसे करीबी सहेली थी। उसकी कार में अचानक ही आग लग गई थी और वो जिंदा ही जल गई थी उस कार में फंसकर। अग्निशमक दल के आने से पहले ही वो जलकर मर चुकी थी। उस दुर्घटना के कुछ ही दिनों के बाद मेरी एक और सहेली के साथ भी दुर्घटना हो गई। वो उस समय अपने घर में थी। वो घर के बाहर लॉन में ठंड में आग जलाकर तापने की तैयारी कर रही थी। अचानक उसके कपड़ों में आग लग गई थी और उसका चेहरा और दाई बांह बुरी तरह से झुलस गए थे। मैं अस्पताल में उसको मिलने गई थी। उसने मुझे बताया कि क्या क्या हुआ था। उसने कहा कि उस दुर्घटना से कुछ दिन पहले उसने सपने में देखा था कि उसका शरीर आग में जल रहा था। हालांकि मैं किसी भी अंधविश्वास को नहीं मानती थी, पर उन घटनाओं के बाद मेरे मन में भी भय घर करने लगा था। मुझे लगने लगा कि उन दोनों घटनाओं का संबंध उस डिब्बे से था जो मेरी बेटी को बगीचे में मिला था। मैं तुरंत ही घर वापिस आई और मैंने बगीचे में वो खड्डा खोजना शुरू कर दिया जहाँ मैंने उस डिब्बे को जलाया था। मुझे वो जला हुआ डिब्बा मिल गया। उसको उठाते ही मेरे शरीर में एक सनसनी सी दौड़ गई। उस जले हुए डिब्बे के अंदर 3 गुड़ियाँ थी। वो पारंपरिक जापानी गुड़ियाँ थी और उन्होंने किमोनो पहने हुए थे। एक गुड़िया पूरी तरह जल गई थी, दूसरी एक तरफ से थोड़ी सी जली थी, लेकिन तीसरी को आग ने छुआ भी नहीं था। जैसे ही मैंने आधी जली गुड़िया को उठाया, उसका किमोनो टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिर गया। तभी मैंने उस गुड़िया की पीठ देखी। मैं एकदम सन्न रह गई। उस गुड़िया की पीठ पर मेरी सहेली का नाम खुदा हुआ था। पूरी जली हुई गुड़िया की पीठ पर मेरी उस सहेली का नाम खुदा हुआ था जो जलकर मर गई थी। जो गुड़िया बिल्कुल भी नहीं जली थी, उसकी पीठ पर मेरा नाम खुदा हुआ था। मैं तो बुरी तरह से कांपने लगी और सोचने लगी कि किसने किया होगा वो सब कुछ। कौन उन गुड़ियों को मेरे बगीचे में रख गया होगा। मेरे तो कोई शत्रु भी नहीं थे, किसी को मुझसे ईर्ष्या करने का कोई कारण भी नहीं था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैंने अपने पति से उस घर को बदलने को कहा और फिर हम लोग हमारी बेटी को लेकर दूसरे घर चले गए। हमने उन गुड़ियों को फेंका नहीं। हम उनको एक बौद्ध मंदिर में ले गए। जिस बौद्ध भिक्षु ने उन गुड़ियों को मेरे हाथों से लिया था, उसका नाम आज भी मेरे दिमाग में है। उस भिक्षु ने मुझे कहा था ये श्रापित गुड़िया थी और मैंने इनको श्राप मुक्त करने के लिए पूजा कर दी है, लेकिन मैं इन गुड़ियों को आशीर्वाद देने में सफल नहीं हो पाया। इन गुड़ियों के माध्यम से कोई तुमको और तुम्हारी सहेलियों को मारना चाहता है। तुम इन गुड़ियों को वापस ले जाओ और खास करके इस बिना जली हुई गुड़िया को कहीं पर सुरक्षित रखना, क्योंकि अगर ये गुड़िया जल गई तो तुम भी किसी दुर्घटना में जलकर मर जाओगी। मैं और मेरे पति उन गुड़ियों को लेकर वापस घर आ गए। पिछले 30 वर्षों से वो तीनों गुड़िया हमारे बैंक के लॉकर में रखी हुई, पर हमारी उनको बाहर निकालने की हिम्मत नहीं होती है। मेरी मौत मेरे ही लॉकर में बंद है। जापान में ऐसी भूतिया गुड़िया बहुत मिलती हैं और लोग तंत्र विद्या का प्रयोग करके किसी भी इंसान को क्षति पहुंचा सकते हैं या उसको मार सकते हैं, पर मैं आज तक ये नहीं समझ पाई हूँ कि मुझे कौन मारना चाहता था। शायद मेरी दोनों सहेलियों में से किसी ने बहुत बड़ी गलती की थी कभी, और अब हमको भी उस गलती की सजा मिल रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया।